गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। दो स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। अपने इस खास प्रोग्राम में और सकारात्मक खबर को लेकर बात करूंगी मैं राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मध्य प्रदेश की गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। कांग्रेस युवाओं की पार्टी कही जाती है और कांग्रेस में युवा नेताओं की कमी नहीं है क्योंकि अध्यक्ष ही युवा हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश की और प्रियंका गांधी को पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके बाद अब सवाल बहुत से उठ रहे हैं कि प्रियंका गांधी की आंधी में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई अस्तित्व नहीं बचा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिम्मा देकर कांग्रेस ने बड़ी गलती की है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सचिन पायलट के नाम पर अगर राहुल गांधी विचार करते तो कहीं ना कहीं वो तुरुप का इक्का पश्चिम उत्तर प्रदेश में साबित हो सकते, क्योंकि वो खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जिस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं उसका भी अच्छा खासा वर्चस्व है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर गुर्जरों और जातों की ही तो राजनीति चलती है, हालांकि वहाँ पर मुस्लिम समीकरण भी बहुत काम करते हैं, हिंदू समीकरण भी काम करते हैं, लेकिन जाट गुर्जर की राजनीति वहाँ पर हमेशा ही चरम पर होती है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी को ये नहीं सोचना चाहिए था कि उन्हें सचिन पायलट को सिंधिया की जगह लेकर आना चाहिए था? हम ये नहीं कह रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में वो काबिलियत नहीं है, वो अहमियत नहीं है या उनमें वो जज्बा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जगह सचिन पायलट को दारोमदार सौंपा जाता तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट की मजबूती और पूर्वांचल में प्रियंका की मजबूती कांग्रेस के लिए ज़्यादा चमत्कार कर सकती थी। हो सकता है राहुल गांधी ने यह सोचा हो कि सचिन पायलट के पास वैसे ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान में तो कैसे लेकर आ सकते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमने अक्सर देखा है लोकसभा चुनाव से पहले या किसी भी या फिर विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से ऐसे नेता जो कि कई राज्यों का नेतृत्व करते हैं, कई राज्यों में कोई मुख्यमंत्री होता है तो कोई किसी और पद पर होता है, तो वो आते हैं, वो चुनाव प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालते हैं। आप देखिएगा जब चुनाव प्रचार प्रसार की लिस्ट आएगी तो उसमें कई ऐसे नेता होंगे जो साउथ से होंगे, जो नॉर्थ से होंगे, जो नॉर्थ ईस्ट से होंगे, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पीएम मोदी सबसे आगे होंगे, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ और इसी में कांग्रेस को भी लेती हूँ, इसे सभी दलों को लेती हूँ मैं, ये रणनीति सिर्फ बीजेपी की नहीं है, सभी दलों की है। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में वहाँ पे करती हैं रोड शो या प्रचार प्रसार, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्रियंका गांधी उस चीज़ का जिम्मा संभालेंगी, सोनिया गांधी भी आ सकती हैं, मनमोहन सिंह, आप गुजरात का उदाहरण कर देखिए ना, गुजरात में मनमोहन सिंह से लेकर बीजेपी कांग्रेस के कई नेता जो थे वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे क्योंकि वो पीएम मोदी का गृह राज्य था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं नाक का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 73 सांसद बनाने में कामयाबी हुई थी साल 2014 में बीजेपी, जैसे बीजेपी को अगर सत्ता से हटाना है तो कांग्रेस को भी बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पर प्रचार प्रसार से उतारना पड़ेगा। प्रियंका गांधी अपने आप पे बहुत बड़ा नाम है, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम पर हम इतना कांग्रेस इतना आगे नहीं बढ़ सकती है कि अगर वो सोचे कि प्रियंका गांधी का नाम ही काफ़ी है तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि प्रियंका गांधी से चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये खुद प्रियंका गांधी भी मानती हैं कि उनसे 2 महीनों में कोई चमत्कार की उम्मीद फिलहाल कांग्रेस ना करे, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है और इतनी तसल्ली से वो पार्टी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो मेहनत वो अभी कर लेंगी इसका सीधा असर 2022 में कांग्रेस के प्रदर्शन पे पड़ सकता है। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर सकती है। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे जब भी प्रियंका गांधी को लेकर आप कहीं भी जाएंगे प्रियंका गांधी के नाम पर डंका बज रहा है। जाहिर सी बात है कि उनको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, उनको एक संजीवनी बूटी माना जा रहा है, राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत सी बातें हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की आंधी में सिंधिया कहाँ है? आप रोड शो में देखिए तो वहाँ पर वो हाथ लहराते नजर आते हैं, उसके बाद वो है कहाँ? प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी के बगल में बैठे हुए नजर आते हैं, मीटिंग होती है वहाँ पे बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन सिंधिया कहाँ है? लेकिन ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर कम आंक रहे हैं राहुल गांधी तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुश्किलें हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। वहाँ पर भी वहाँ की भी ऐसी कई सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटों में अगर आप मान लीजिए 30 से 40 से 50 सीटें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो है सरकार बनाने में कामयाब होती हैं, तो बाकी जो सीटें हैं वो आपकी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी की जीत हार को बहुत ज़्यादा तय करती हैं। तो ऐसे सिंधिया को जिम्मेदारी देना कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अगर सचिन पायलट को लेकर आते, सचिन पायलट एक रसूख है सहारनपुर में, वो वहाँ से गुज्जरों और जाटों से उनका एक वो समुदाय से उनका अपना एक बेहतर उनकी उनका एक एक कम्युनिकेशन है। आप देखिए जब गुज्जर अभी आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पे सचिन पायलट की अपील का क्या असर हुआ कि गुज्जरों ने तुरंत अपना आंदोलन रोक दिया। तो कहीं ना कहीं तो ये बात तो है कि सचिन पायलट में वो बात है, और राजस्थान में आप उनकी कार्यशैली को कम नहीं नाप सकते। राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने 2013 के बाद काम किया कांग्रेस के लिए, कांग्रेस भले ही 99 पे सिमट गई, लेकिन अभी हाल में जो बाई इलेक्शन हुआ था रामगढ़ सीट पर, वहाँ पे देखिए किस तरह से सचिन पायलट, ऐसा नहीं कि सिर्फ सचिन पायलट, वहाँ पे सचिन और अशोक गहलोत दोनों की जोड़ी ने करिश्मा किया, तो ऐसे में आपको सोचिए। लेकिन हाँ, 2013 में जब वहाँ पर हारी
कांग्रेस राजस्थान, उसके बाद से सचिन पायलट ने जिस तरह जमीनी स्तर पर राजस्थान में काम किया उसकी हर तरफ डंका बजा। टोंक में देखिए जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन वहाँ पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और वो जीतने में कामयाब हुए। उनका वोटिंग परसेंटेज देखिए, उनका वोट वो उनको जितने वोट मिले हैं वो देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार को किस तरह से उन्होंने धराशाही कर दिया और सिर्फ बहुत मार्जिन से जीते हैं वो वहाँ पर। आप खुद सोच सकते हैं सचिन पायलट का जब राजस्थान में इतना दबदबा है, गुज्जर समुदाय से वो ताल्लुक करते हैं, हालांकि वो खुद को किसी जाति और धर्म विशेष में नहीं रखना चाहते हैं, उनका सिर्फ एक आधार है राजनीति का, वो है सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करना। लेकिन अब अगर सचिन पायलट को अगर लेकर आते पश्चिम उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हो सकता था पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्लस पूर्वांचल में, क्योंकि उधर पूर्वांचल में प्रियंका गांधी, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिंधिया की जगह अगर सचिन पायलट होते तो कुछ और रिजल्ट आ सकते थे। फिलहाल देखते हैं अब सिंधिया कितना पावरफुल साबित होते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस को कितनी सीटें दिला पाते हैं 2014 की अपेक्षा। लेकिन हाँ दर्शकों, क्या आपको नहीं लगता है कि सचिन पायलट को आगे लाया जाना चाहिए था राहुल गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में? अगर आपको लगता है तो बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए कि क्या ऐसा होना चाहिए था, और अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाती तो शायद आज लहर कुछ और नज़र आती और चुनावी परिणाम भी कुछ और नज़र आते। क्या लगता है आपको, आप भी बताइए अपने कमेंट बॉक्स के जरिए। नमस्कार।